प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस एक्चुअली प्रोडक्शन इन एनिमल्स में कुछ टेक्निक्स के अबाउट डिस्कस किया था, पार्थिनोजेनेसिस के अबाउट हमने पढ़ लिया था। अभी हम दो टेक्निक्स पढ़ेंगे, एक होगी टिश्यू कल्चर टेक्निक और दूसरी होगी क्लोनिंग। दोनों के अबाउट हमने जो है ना वो इस लेक्चर में पढ़ना है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना वो टॉपिक एनिमल्स के अबाउट है, एनिमल्स के। लेकिन टिश्यू कल्चर टेक्निक में कुछ उन्होंने टच पौधों को भी किया हुआ है, तो कुछ पौधों के बारे में भी हम इधर जो है ना वो डिस्कस करेंगे, गो के ये टॉपिक एनिमल्स के अबाउट है। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक, टिश्यूज को उगाने की टेक्निक, कल्चर करवाना, उगाना, ग्रो करवाना, किसके अंदर ग्रो करवाना? लेबोरेटरी के अंदर, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करवाना। छोटी क्लासेस से हम ये टेक्निक्स के बारे में पढ़ते चले जाते हैं। बॉडी से जो है ना वो कोई टिश्यू ले लिया जाता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कोई टिश्यू ले लिया जाता है या एक सेल ले लिया जाता है और उसको रख दिया जाएगा आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर। आर्टिफिशियल मीडियम में जितने भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी वो ऐड किए गए होंगे, मुनासिब टेम्परेचर होगा, मुनासिब पीएच होगी, मुनासिब न्यूट्रिएंट होंगे, जो जो भी ज़रूरत इन टिश्यूज को ग्रो करने के लिए होगी वो न्यूट्रिएंट इधर ऐड कर दिए गए होंगे और इन टिश्यूज़ को जो है ना वो इसमें प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। अभी टिश्यू ग्रो करेंगे और ये ग्रो करके मुकम्मल इंडिविजुअल में तब्दील हो जाएंगे और इस टेक्निक को हम बोलेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए गए, आमतौर पे ये लिक्विड होता है, लिक्विड मीडियम जिसमें न्यूट्रिएंट वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं, टिश्यूज ग्रो करेंगे और ग्रो करके इंडिविजुअल तब्दील हो जाएंगे, इसको बोलेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट? पौधे की। पौधे का बनना किससे बनना? टिश्यू की मदद से बनना या सेल की मदद से बनना, जिसको ग्रो करवाया गया है, किसके अंदर ग्रो करवाया गया है? लिक्विड मीडियम या आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करवाया गया है, उसको हम बोलेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक अगर हमने पौधों के अंदर करवानी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यही जो हमने इधर किया है, ये टिश्यूज लेने हैं। टिश्यू किससे लेने हैं? कैम्बियम के जो टिश्यूज होंगे ना वो मेरिस्टीमेटिक होंगे, मेरिस्टीमेटिक यानी वो ग्रो कर सकते हैं। आमतौर पे पौधे में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज, वो ग्रो नहीं कर सकते, वो एक बार पौधा में मैच्योर हो गया अब वो ग्रो नहीं करेंगे, तो हमने वो लेने जो ग्रो कर सके। मेरिस्टीमेटिक मैन कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकते हैं। तो कैम्बियम में जो मेरिस्टीमेटिक टिश्यूज मौजूद है वो हमने ले लिए, एक्साइज रिमूव्ड निकाल लिए, और अब निकालने के बाद क्या किया? ग्रोथ स्टिमुलेटेड, उसकी ग्रोथ को, टिश्यूज की ग्रोथ को हमने स्टिमुलेट करना है बाय एडिशन, ऐड कर देना है, इधर हमने ऐड कर देना है। किसकी एडिशन कर देनी है? न्यूट्रिशन की एडिशन कर देनी है, जो न्यूट्रिएंट जरूरी होंगे वो दे देने हैं, हार्मोन्स जो जरूरी होंगे, साइटोकाइनिन दे देना, इंडोल एस्टिगेशन या ऑक्सीजन मुहैया कर देना है, और ये तमाम चीज़ें ये किस में मौजूद होंगी? ये आर्टिफिशियल मीडियम में मौजूद होंगी और उसी के अंदर हमने टिश्यू प्लेस कर दिए। टिश्यू जो है ना वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करेंगे और वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे एक नए पौधे में। इस तरीके से हमें जितनी ज़रूरत हो उतनी हम पौधों की वराइटीज बना सकते हैं, यानी तादाद को बढ़ा सकते हैं। रैपिडली हम अपनी जो पसंदीदा खसूसियात वाले पौधे होंगे उनकी जनरेशन को जो है ना वो ग्रो करवा सकते हैं। तो रैपिडली हम प्रोपेगेट करवा सकते हैं, तादाद में इजाफा कर सकते हैं इसका, पौधों का, विद डिजायर्ड वराइटीज जिनमें हमारी पसंद की खसूसियात होंगी, उनको टिश्यूज लेंगे और उन्हीं जैसे जो है ना वो नए पौधे बना लेंगे। एक चीज मैं आपको रिवाइज करवाता चाहूँ, वो ये है कि जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, वो किसके जरिए होगी? मियोसिस के जरिए होगी? नहीं, माइटोसिस के जरिए होगी।
माइटोसिस। और माइटोसिस में जो माइटोसिस के जरिए जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा या ऑफस्प्रिंग बनेगी, औलाद बनेगी, वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल मिलती जुलती होगी, आइडेंटिकल होगी, हूबहू मिलती जुलती, जेनेटिकली आइडेंटिकल। किससे मिलती जुलती होगी? वो आपस में भी मिलती जुलती होगी, आइडेंटिकल टू ईच अदर, एक दूसरे से भी वो मिलते जुलते होंगे और वो अपने पेरेंट्स से भी मिलते जुलते होंगे, जिससे वो बनाया गया है उससे भी मिलता जुलता होगा। जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी किसके जरिए होगी? माइटोसिस के जरिए। और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो आइडेंटिकल होगी, मिलती जुलती होगी। किससे मिलती जुलती होगी? आपस में भी, और जिससे उनको बनाया गया है उससे भी वो मिलती जुलती होगी, हूबहू एक जैसे होंगे। लाइक इतनी ही एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है, पौधा ले लेते हैं हम, पौधा मौजूद है, एनिमल भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लोनिंग जो है ना, क्लोनिंग ये एनिमल्स में भी, बड़े एनिमल्स में भी हम आर्टिफिशियली करवा सकते हैं। तो ये हमने पौधा ले लिया, एक पौधे से जो है ना हमने कई किस्म के पौधे बना लिए, कई पौधे बना लिए, एक पौधा ये, दूसरा और ये, तीसरा, इसी तरीके से हमने कई पौधे बना लिए। एक पौधे से कितने पौधे बना सकते हैं आप? टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए या क्लोनिंग के जरिए आप लाखों पौधे भी बना सकते हैं, और जितने भी वो पौधे आपने बनाए हैं वो आर्टिफिशियल क्लोनिंग के जरिए है या आपने टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए बनाए हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बनाए हैं, वो जितने भी पौधे बनेंगे वो आइडेंटिकल होंगे, हूबहू एक जैसे होंगे, जैसा ये पौधा था। लेट्स सपोज ये पौधा जो है ना वो हमारा बड़ा फेवरेट पौधा था, फेवरेट क्यों था? ये फ्रूट बहुत अच्छा देता था और इसके फ्रूट का जो जायका था वो बहुत अच्छा था और फ्रूट प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा करता था। तो हमने उसी के जैसे नए पौधे बना लिए, अब ये भी वही ही जो है ना वो फेवरेट करेक्टरिस्टिक रखेंगे, फेवरेट करेक्टरिस्टिक इनमें भी मौजूद होंगी। तो ये तो बड़ा एडवांटेज है, लेकिन यही एडवांटेज कभी कभी डिसएडवांटेज भी बन जाता है। डिसएडवांटेज क्यों बन जाता है? देखो ये है जेनेटिकली आइडेंटिकल, और जेनेटिकली आइडेंटिकल होने की वजह से ये तमाम पौधे एक जैसे होंगे, और अगर कोई बीमारी हमला कर देगी, डिजीज, बीमारी ने हमला कर दिया, वो बीमारी अगर एक पौधे पे हमला कर सकती हुई ना, तो वो एक पे हमला नहीं करेगी, बाकी भी तो उसी के जैसे है, वो इस पे भी हमला कर देगी, वो इस पे भी हमला कर देगी, वो इस पे भी हमला कर देगी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, वो इस पे भी हमला कर देगी। तो जितनी भी हमारी फसल होगी, लाखों पौधे क्यों ना हों, वो बीमारी सब पे हमला कर देगी और उसके नतीजे के तौर पर जो हमारी पूरी वराइटी होगी वो तबाह हो जाएगी। तो ये जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हों, हाँ, वो एक तरह से एडवांटेज भी है और एक तरह से वो डिसएडवांटेज भी है। किसका डिसएडवांटेज? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर हमने पढ़ी है टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए, अब हमने पढ़नी है क्लोनिंग के जरिए। क्लोनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोनिंग? क्लोनिंग के वर्ड जो है ना वो आपने फर्स्ट ईयर में भी प्रोसीजर को देखा था, वही डेफिनेशन जो है ना वो इधर भी और वही प्रोसीजर इधर भी हम पढ़ेंगे। प्रोडक्शन बनाना, किसको बनाना? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल बाय यूजिंग इस एक्चुअली प्रोडक्शन टेक्निक सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक जैसे किसी भी टेक्निक को यूज करना, और किसके लिए यूज करना? नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। और वो जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो किस किस्म के होंगे? वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, हूबहू मिलते जुलते होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, जैसे हम एक पेपर ले जाते हैं ना फोटोकॉपी करने वाले के पास, और वो क्या करता है, वो एक पेपर को मशीन में रखता है और उसकी कई कॉपीज बना देता है।
वो जितनी भी नई कॉपीज बनती हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर वही लिखा हुआ होता है जो ओरिजिनल के ऊपर लिखा हुआ था, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी कॉपीज बन जाती हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की भी बन सकती हैं, टिश्यू सेल की भी बन सकती हैं, किसके जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टेक्निक्स को यूज़ करके, और एग्जाम्पल के तौर पर हम टिशू कल्चर टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर किस तरीके से हमने किसी ऑर्गेनिज्म की कलोनिंग करनी है, प्रोसीजर को देखने के लिए आप इधर आ जाइए। ये एक एनिमल मौजूद है, एनिमल, और इस एनिमल में हमारी डिजायर्ड करेक्टर्स मौजूद हैं। ये हमारा बड़ा फेवरेट एनिमल है, फेवरेट मे बी ये एनिमल जो है ना वो मिल्क प्रोडक्शन अच्छी करता है, मिल्क इस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, या ये मीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, या ये वूल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, यानी ये हमारे फेवरेट खसूसियात रखने वाला जो है ना एनिमल है। हम चाहते हैं कि इसी की कॉपीज बना लें, उसके लिए क्या करेंगे, इसकी बॉडी के किसी भी हिस्से से, सोमेटिक बॉडी के किसी भी हिस्से से एक सोमेटिक सेल ले लेंगे। मैं आपको याद दिया नहीं करवाता चलूँ, बॉडी में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक बोलते हैं सोमेटिक, ये बॉडी के नॉर्मल, और एक होते हैं जर्म लाइन, जर्म लाइन मीन रिप्रोडक्टिव, जिनमें एग और स्पर्म्स को बनाने वाले सेल्स आ जाते हैं, जर्म लाइन। हमने इनको नहीं लेना इधर, इधर हमने बॉडी के किसी भी टिश्यू को स्किन से ले लें, बालों से ले लें, कहीं से भी ले लें, सोमेटिक सेल को ले लिया, और इधर कोई और एनिमल है उसके जो है ना हमने फर्टिलाइज्ड एग को ले लिया, फर्टिलाइज्ड एग को, और उस एग के ऊपर हमने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बम्बार्डमेंट करवा दी। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के जरिए उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो हमने रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। अब ये यू मौजूद है इधर, और इसका न्यूक्लियस रिमूव हो चुका। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एनिमल का जो हमने सोमेटिक सेल लिया हुआ है इसके न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे, इसके न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे, और उस न्यूक्लियस को हम दाखल कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, यार ये बंद करो, दाखल कर देंगे। किस में दाखल कर देंगे, ये हम दाखल कर देंगे जी इसके अंदर, ये जो हमने फर्टिलाइज्ड एग लिया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना उसको जाइगोट भी बोला जाता है, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट ये किस में तब्दील होगा, ये तब्दील होगा जी एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो किस में तब्दील होगा, एम्ब्रियो तब्दील हो जाएगा इंडिविजुअल में, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। एक सेल हमने लिया था, एक इंडिविजुअल बन गया, कई सेल ले लेते तो कई इंडिविजुअल बन जाने थे। अब ये जो इंडिविजुअल है ना ये हूबहू मिलता जुलता होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, किसके जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा, इसके जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा नहीं, जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था, जिसका न्यूक्लियस लिया उसके, क्योंकि जो करेक्टर्स होंगे ना वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में, डीएनए न्यूक्लियस में, सो जो खसूसियात हैं, करैक्टर हैं, वो किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। तो जिसका हमने न्यूक्लियस यूज किया है ये एनिमल, ये इंडिविजुअल हूबहू उसी से मिलता जुलता होगा। तो ये है जी कॉलोनी का पूरा प्रोसीजर, इसी प्रोसीजर को हमने इधर लिख दिया था, न्यूक्लियस इज रिमूव्ड, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है किसके जरिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जरिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जरिए हमने न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। जो न्यूक्लियस को रिमूव किया है अब उसको दाखिल कर देना है, किसमें दाखिल कर देना है, इसमें जिसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया था, यानी इसको न्यूक्लियस हमने रिमूव किया। आप इसमें एक थोड़ी सी तब्दीली कर लें, वो तब्दीली हमने ये करनी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है ना वो आप इधर ऐड कर लें, इधर हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जरिए, या चलें कोई बात नहीं है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। तो हमने क्या किया जी, न्यूक्लियस को रिमूव किया, और न्यूक्लियस को रिमूव करके इंट्रोड्यूस कर दिया, किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ए न्यूक्लियेट फर्टिलाइज्ड एग में, जिसका हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया था वो ए न्यूक्लियेट है और फर्टिलाइज्ड एग है, इसको हमने उसमें दाखिल कर दिया।
अल्टर जाइगोट इज इम्प्लांटेड। अब हमने इस जाइगोट को रख दिया, किस में रख दिया, ऐसे मीडियम में जिसमें ये ग्रो कर सके, और उसको बोलेंगे सूटेबल वॉम्ब। सूटेबल वॉम्ब में रख दिया, जाइगोट डेवलप होगा, मुकम्मल इंडिविजुअल को बनाएगा, और ये डेवलप्ड इंडिविजुअल मिलता जुलता होगा, आइडेंटिकल होगा उस ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता होगा जिसके न्यूक्लियस को यूज किया गया था। और न्यूक्लियस किसका यूज करना है, जिसमें हमारे फेवरेट करेक्टर मौजूद होंगे उसी के न्यूक्लियस को यूज करना है। तो इस तरीके से हमने अपनी डिजायर्ड करेक्टर वाला जो है ना वो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर लिया। अब इस कॉलोनी में ये जो इंडिविजुअल बना है उस पर भी ये तमाम चीज़ें लागू होंगी, क्योंकि वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, माइटोसिस के जरिए बना है। जाइगोट जब ग्रो करेगा ये माइटोसिस के जरिए ग्रो करेगा और एम्ब्रियो में तब्दील होगा, और एम्ब्रियो में भी माइटोसिस होगी तो इंडिविजुअल में तब्दील होगा। तो ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनी है ये आइडेंटिकल होंगी, अगर एक से ज़्यादा हमने बना लिए एक दूसरे से भी मिलते जुलते होंगे, और वो अपने ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म से जिसकी हमने कॉपी बनाई है उससे भी वो मिलते जुलते होंगे। अब इसकी सिग्निफिकेंस, ये जो दोनों टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक और कॉलोनी, इनकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस पे हमने दोनों चीज़ें डिस्कस करनी हैं, एडवांटेजेस भी डिस्कस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इधर तक समझ आ गई होगी, अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई है तो वह आप कॉन्टैक्ट करके बेटा पूछ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के तौर पर भी आ जाता है। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अलग लॉन्ग बन जाता है, और ये वाला अलग लॉन्ग बन जाता है सिग्निफिकेंस। अभी हम इसको पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस के अबाउट। सिग्निफिकेंस जब भी किसी चीज की पूछी जाए ना तो आपने दोनों चीजें डिस्कस करनी होती है, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी, दोनों चीजें। तो एडवांटेजेस, इसमें हम हमारी डिजायर्ड वराइटीज जो हमारी फेवरेट वराइटी होगी उसकी कॉपीज बना सकते हैं, प्राइज बुल्स की कॉपीज बना सकते हैं, हॉर्सेस की कॉपीज बना सकते हैं। अगर हमें कोई पौधा अच्छा लगे तो हम उस पौधे की भी कॉपीज बना सकते हैं। इसी तरीके से लेट्स सपोज हमने जो है ना वो किसी हार्मोन के एक्शन के बोर्ड पढ़ना है, या किसी ड्रग के एक्शन के बोर्ड पढ़ना है, या किसी कॉस्मेटिक के एक्शन के बोर्ड पढ़ना है, या किसी मेडिसिन के फार्मास्यूटिकल के एक्शन के बोर्ड पढ़ना है, हमने इसका एक्शन के बोर्ड पढ़ना है जी किसी एनिमल के ऊपर। तो पहले तो यही किया जाता था, एनिमल के ऊपर इसे अप्लाई कर दिया जाता था, अगर वह एनिमल मर गया तो मर गया, वह एनिमल डेड हो जाता था, डिसएडवांटेज भी आ जाते थे। तो अब हमने क्या किया, अब हमने एनिमल को यूज करना छोड़ दिया, अब हमने एनिमल्स की बॉडी से कुछ टिश्यूज ले लिए और उन टिश्यूज की करवा ली कलोनी और उसकी कॉपीज बना के रख ली। अब हम इन चीजों के जो असर को पढ़ेंगे ना, एक्शन को पढ़ेंगे, वो एनिमल्स के ऊपर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इन टिश्यूज के ऊपर हम उनके जो है ना वो एक्शन के बोर्ड पढ़ेंगे। इनके ऊपर जो एक्शन आएगा वही एनिमल के ऊपर एक्शन होगा। तो एनिमल को डेड करने की बजाय, एनिमल को यूज करने की बजाय हम क्या करेंगे, उसके टिश्यूज ले लेंगे और उसके टिश्यूज की कलोनिंग कर लेंगे, और कलोनिंग करेंगे उसके ऊपर हम हार्मोन्स, ड्रग्स, कॉस्मेटिक या फार्मास्यूटिकल वगैरह के असर को पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये एडवांटेज, दो एडवांटेज होगी संदीदा वराइटीज बना सकते हैं और इन चीज़ों की जो एक्शन है उसके बारे में हम देख सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस, सबसे बड़ा और सबसे पहला डिसएडवांटेज ना वो यही है कि अगर इनके ऊपर कोई बीमारी हमला कर देती है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज, अगर किसी एक पौधे के ऊपर कोई बीमारी हमला कर देगी तो उनमें से किसी के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी, क्योंकि सब एक जैसे आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल होने की वजह से किसी में जो है ना वो ऐसी किस्म मौजूद नहीं होगी, सर्टेन मीन टाइप, कोई तरह ऐसी टाइप मौजूद नहीं होगी जिसमें पौधे मुदाफियत मौजूद हो। वजह ये सब
एक जैसे, अगर इसमें मौजूद नहीं है तो किसी में भी मौजूद नहीं हो सकती। तो इसलिए अगर कोई बीमारी हमला कर देगी उसके नतीजे के तौर पे ये जितने भी पौधे होंगे या जितने भी एनिमल होंगे वो डेड हो जाएंगे। एक डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो हम इस तरीके से क्लोन बनाएंगे, कॉपीज बनाएंगे, ये हमने कॉपीज बना ली किसी इंडिविजुअल की, अब इन कॉपीज के ऊपर जो इन्वायरमेंट का असर होगा, माहौल का असर होगा, वो किस किस्म का होगा इसके बारे में हम नहीं बता सकते। इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट के जो प्रॉब्लम्स होंगे, बदलता हुआ माहौल होगा, उस माहौल का इन इंडिविजुअल के ऊपर किस किस्म का इन्फ्लुएंस होगा, असर होगा, ये हमें जो है वो आइडिया नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम ह्यूमन की कॉलोनी की बात करें तो ह्यूमन की क्लोनिंग जो है ना वो थियोरेटिकली पॉसिबल तो हो सकती है। हम किसी भी और एनिमल या ह्यूमन के कोई भी आदमी आप ले लें, आप उस आदमी की जो है ना वो कॉपीज बना सकते हैं, लेकिन बना तो सकते हैं, थियोरेटिकली पॉसिबल, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं नहीं बनानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं बना लेनी चाहिए, बनानी क्यों नहीं चाहिए। मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि हम लोग किसी जगह पे जाएं और उधर जाके देखें जी पहली एक जो है ना वो हमारे जैसा उधर मौजूद है, तो वो बड़ी एक इरिटेटिंग कैफियत हो जाएगी। तो इसलिए जो ह्यूमन की क्लोनिंग है ना वो कंट्रोवर्शियल है, मुतनाज़ है। और एक बहुत बड़ा और भी प्रॉब्लम है जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, वो देख लीजिए। देखो जब हमने इंडिविजुअल की क्लोनिंग की है ना तो हमने ज़ाइगोट लिया है, ज़ाइगोट तब्दील हुआ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो तब्दील हुआ इंडिविजुअल में। अब वो इंडिविजुअल की बर्थ होगी और इंडिविजुअल बड़ा होगा, बड़े होने पे भी उसको वक़्त लगेगा, बड़े होने पे भी वक़्त लगेगा। ह्यूमन की बात कर लेते हैं, आपने कोई ह्यूमन लिया और आपने उसकी क्लोनिंग करने की कोशिश की, क्लोनिंग में आपको डायरेक्ट वो ह्यूमन नहीं मिल जाएगा, ज़ाइगोट मिलेगा। और ज़ाइगोट किस में तब्दील होगा? एम्ब्रियो में तब्दील होगा। एम्ब्रियो किस में तब्दील होगा? फीटस में तब्दील होगा। ह्यूमन के केस में फीटस किस में तब्दील होगा? इंडिविजुअल यानी छोटे बेबी में तब्दील होगा, न्यूबॉर्न में तब्दील होगा। और वो छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है अब वो बड़ा होगा, बड़ा होने में भी उससे उतना ही वक्त लगेगा, सालों लग जाएंगे उससे बड़ा होने में। तो मुकम्मल स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा तो वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। इसलिए एक लंबा अमल है। तो छोटे छोटे पौधे जो दिनों में बड़े हो जाते हैं उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जिनकी ग्रोथ पे ज़्यादा वक़्त लगेगा उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाती है, लंबा वक़्त लगता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लोनिंग है ना इसमें जो क्लोन बनेगा वो क्लोन रेजिस्टेंट नहीं होगा, वीक होगा, माहौल उसको जो है ना वो जल्दी मुतासर कर सकता है। और अगर माहौल मुतासर करेगा तो उसमें बीमारियां, डिजीज़ वगैरह प्रोड्यूस हो जाएंगी और उसके नतीजे के तौर पे जो है वो डेड भी हो सकता है, तो वो वल्नरेबल होगा, कमज़ोर होगा। तो इधर तक हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा आर्टिकल रह गया, वो हम अगले टॉपिक में इसको इंक्लूड करेंगे। इधर तक आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, कोई बात अगर नहीं समझ आए तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। अब वक्त है जी असाइनमेंट का, जो चीज़ें आपने लिखी हैं। नंबर वन पे आपने टिश्यू कल्चर टेक्निक की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन। ये पूरा आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन ये बनाना भी है और आपने लिखना भी है। प्रोसीजर ये बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग पूरा आप लिख है। और इसके बाद आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन दोनों को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के बोर्ड लिखना है। तो ये होगी जी आपकी असाइनमेंट। इधर तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक को देखेंगे।